मालबाड़ी डेंजर बाबा नल पैसेंजर बा देखी मिजाज भइल गरम गरम माया रूझल माऊ रहवा के घोपरे बांधे आओ में आके बहिनी क दिल लिखल बा दिलदार लिखल बा उनके बहिनी क दस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है और शायद आप लोगों के घर पे शादी विवाह पड़ा होगा और नहीं पड़ा होगा तो आगे भी पड़ेगा। और आज हमारे साथ देख सकते हैं इस समय जौनपुर की ये गायिका है जो अक्सर शादी विवाह गीत गाती रहती हैं, मजाकिया गीत हुआ और ये तुरंत अपने कलम से लिख देती हैं और गाने लगती हैं। तो आज हम इनसे शादी और विवाह का गीत सुनेंगे, मजाकिया गीत सुनेंगे और जो गाली भी गाया जाता है शादी विवाह में, आप लोग बहुत शौक से सुनते हैं, उसको भी सुनेंगे। तो आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले मैम आप सभी का स्वागत है। जो धन्यवाद भैया, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी दर्शकों का धन्यवाद। शादी विवाह में जो गीत गाए जाते हैं दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन सा ऐसा गीत है जो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, क्योंकि शादी विवाह आ रहा है और बहुत लोगों के घर में शादी पड़ा भी होगा, तो थोड़ा सा वो गीत हो जाए जो आप गाती हैं। पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो गीत मैं गाने जा रही हूँ विवाह गीत है, सुहाग गीत उसको बोलते हैं, सुहाग। अच्छा, गीत वो गीत हमारी माई गाती थी, हमारी माई हमारी माता जी मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी। हाँ मम्मी जी को हम लोग माई बोलते हैं। जी जी। तो हमारी माई गाती थी, तो वही गीत को हम आज आप लोगों के बीच में दर्शाना चाहते हैं। बहुत प्यारा लगता है वो सुहाग गीत हम लोगों को। जब बेटियों के दिन बार विवाह का पड़ जाता है तो माता पिता को कितनी जो है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितना चिंता होती है, कितना फिक्र अपनी बेटियों की होती है और दान दहेज की फिक्र होती है, उस पे हमारा आधारित गीत है। अच्छा जी, तो गीत सुनाइए जो गीत आपका तैयार है। बाबा पीछा सावरिया रे घन बसवरिया, अरे तोता मैना लिहन बसेर रे लाल नमा, अरे तोता मैना लिहन बसेर रे लाल नमा। सूती गई न तोता हो सूती गई न मायना, अरे सूती गई न मायना, अरे सूती गई लै गाँवा के लोग रे लाल नामा, अरे सूती गई लै गाँवा के लोग रे लाल नामा। जागे में जागला बेटी के पापा, अरे बेटी के पापा, अरे जीना के दाहे जावा कर सोच रे लाल नामा, अरे जीना के दाहे जावा कर सोच रे लाल नामा। बाबा पीछा रे घन बसवरिया, अरे घन बसवरिया, अरे तोता मैना लिहन बसेर रे लाल नामा, अरे जीना के सिकड़िया कर सोच रे लाल नामा। अच्छा ये गीत कब जाया जाता है, कि बारात जब आ जाती है या कब इसको गाते हैं लोग? नहीं भैया, जब बेटियों का दिन बार जो है कि पड़ जाता है। हाँ पड़ जाता है जी। तब जब पिताजी को माता जी को चाचा जी को भैया जी को बहुत टेंशन हो जाता है कि हम लोग कैसे दहेज देंगे। अच्छा। जब सामान जो है कि जुहाना पड़ता है तो बहुत टेंशन होता है। जिसके पास नहीं आमदनी होती है तो उसको बहुत टेंशन होता है जी। तो उसी पे आधारित ये गीत था। अच्छा मैम, जैसे जब बारात आता है, बड़े धूमधाम से बारात आता है, गांव हो चाहे शहर हो, जब बारात आता है और दूल्हा जब रथ से रोड लाइट से उतरता है, उस समय जो गाली गाती हैं या मतलब जो महिलाएं गाती हैं, जो गीत गाती हैं, वो गीत आपके पास है? है भैया, उसपे भी गीत है, पर एक छोटा सा हम सभी दर्शकों को सुहाग गीत सुनाना चाहते हैं। बहुत प्यारा है और जो है कि अवधि है जी जी, तो दर्शकों के बीच में मैं पेश करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में और चुटकुला गीत भी है। अच्छा मतलब आपके पास गीतों का पूरा अंबार है। जब, अगर जब दुल्हा लोग आवे न तो उपैन ये हमारे गीत आधारित बा, और जोन माथ पे मौरू लगल रहला तो मौरू जब अटक जाला
सकेत गलियों में, पापा का गलिया बहुत सकेत हाँ, होला। कभी कभी देखिए ना आप, तक गली गुच्ची बहुत होला, रोड लाइट ना पहुंच पावाला, तो मौरू भी अटक जाला। तो मौरू अटकले के ऊपर हमारे गीत तैयार बा, हम आप लोगों के सुनावल चाहते हैं। जितना दर्शक हमारे देखत, हमारे भैया बहनी भौजी माता पिता सबके हम सुनावल चाहत बाटी। राम लखन दोनों भाई रे बंदे, राम लखन दोनों भाई रे बंदे, ओ तो संग संग चलहि ससुरार रे बंदे, ओ तो संग संग चलहि ससुरार रे बंदे, पापा की गलिया सकेत रे बंदे, ओ माया रूझल माऊ रहवा के घोप रे बंदे, ओ माया रूझल माऊ रहवा के घोप रे बंदे, सीता उर्मिला दोनों बहना रे बंदे, ओ ते लोक लेहनी माऊ रूके घोप रे बंदे, ओ ते लोक लेहनी माऊ रूके घोप रे बंदे, सीता उर्मिला दोनों बहना रे बंदे, ओ ते लोक लेहनी माऊ रूके घोप रे बंदे, ओ ते लोक लेहनी माऊ रहके घोप रे बंदे। अच्छा मैम, ये सब गाना बनाने में कितना समय लगता है आपको? देखिए भैया, जो मान लीजिए जो काम करता है, जो काम करता है उसको तैयार करने में देर नहीं लगती जी है। जी, राह चलते चलते काम करते करते हमारा गीत तैयार हो जाता है। हाँ, तैयार हो जाता। अच्छा, आपके गांव में, आप ससुराल में है इस समय, क्या आपके गांव में कभी जैसे शादी विवाह पड़ता है तो आपको बुलाया जाता है नहीं गाली उली गाने के लिए? बेशक बुलाया जाता है, बहुत जो है कि गला भी दुखने लगता है। बहुत सारी महिलाएं जो होती है और प्यार से और आदर से सम्मान के साथ बुलाती हैं कि नहीं संजू दीदी को बुलाइए, उनके पास बहुत सारे गीतों का भंडार है। जी जी हाँ भैया, समाज में सबसे ज्यादा तेज इस समय दहेज वाला जो है जी प्रथा चला हुआ है। अगर कोई शादी विवाह करता है तो सबसे पहले दहेज की भैया का लेब बात यही होता है ना कि मतलब का भैया कितना लेंगे। तो आपके गीतों का माध्यम से कोई ऐसा गीत हो जो दर्शकों को सुनाना चाहे जी। सभी से हमारा निवेदन है, संजू यादव और मंजू यादव जी का, कि आप लोग किसी से जो है कि दहेज मत लीजिए। मैम, एक सवाल आपसे और है, आप दोनों लोग शादी जब हुआ था तो आपके मतलब ससुराल वाले दहेज लिए थे नहीं? नहीं, सही से बताइएगा। एकदम दिल से कहते हैं, एकदम दिल से जो है कि हम आप लोगों को सभी दर्शकों को सही बता रहे हैं। हमारे माई और बाबू उतना देने के योग नहीं थे जी जी। ना हमारे ससुराल से मांग हुई थी कि नहीं हमको ये नहीं वो चाहिए। आज तक हमारे पति परमेश्वर जो है, मान लीजिए कि हम उनकी बखान तो नहीं कर रहे हैं, पर जैसा जो रहता है उसकी बखान होती है। वो तो है। हमारे जो पति हैं, हम उनको मान लीजिए कि उनको श्री राम जी से का जो है कि उनके साथ में उनका तुलना करना चाहती हूँ। अच्छा, कि बहुत अच्छे इंसान है, मान लीजिए कि एकदम पुरुषोत्तम राम की तरह है। आज तक हमें कुछ भी नहीं बोले कि नहीं हाँ आपके जो है मायके से हमको ये मिला नहीं मिला, कुछ भी नहीं बोले हैं। और मान लीजिए कि जो हमारे पास था नहीं था, हर खुशियों को हमारे पूरा किए। हम लोगों के शादी में अभी भी हो रहा वैसा रीति रिवाज, तो बहरे जो है कि लिखा जाता है गाली बरातियों के लिए, दुल्हा के लिए गाली लिखा जाता है। तो पहले औरत लोग गाती है, तनी देखा दुअरिया पैता लिखल बा, तनी देखा दुअरिया पैता लिखल बा, तनी बाचा दुअरिया पैका लिखल बा, तनी बाचा यही दुल्हा के बहिनी क दिल लिखल बा, दिलदार लिखल बा, वन के बहिनी क दस भातार लिखल बा, तनी बाचा तनी बाचा दुअरिया पैका लिखल बा, तनी बाचा दुअरिया पैका लिखल बा, तनी बाचा यही बरती हमन के बहिनी क दिल लिखल बा, दिलदार लिखल बा, वन के बहिनी के चच्चर भातार लिखल बा, तनी बाचा। बस करिए, नहीं दूल्हे राजा सच में नाराज भी हो जाएंगे। तो मतलब पहले ये सब गीत गाया जाता था। एक तिलक गाड़ी है हमारे पास जो सरवा के ऊपर है तैयार। अच्छा, साले के ऊपर? हाँ, साले के ऊपर। अच्छा, ये भोजपुरी हमारे बाद बाय की सरवा के ऊपर हमारे गीत तैयार हो। हाँ हाँ, हम जात बाटी गावे।
सरवा के दीदिया बनारस के बिटिया की बनल सामान बटे इलू इलू की बनल सामान बटे इलू इलू की बोले रहिया में लड़िकवा ओन से आई लव यू की बोले रहिया में लड़िकवा ओन से आई लव यू हमारे ही भैया के संगे छिनरिया डबल समोसा उड़ावली हमारे ही भैया के संगे छिनरिया डबल समोसा उड़ावली सुनी सच्चाई की है सफाई पापो पे लाइन भिड़ावेली सुनी सच्चाई की है सफाई पापो पे लाइन भिड़ावेली माल बड़ी डेंजर बाबा नल पसिंजर बा देखी मिजाज भइल गरम 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 की रहिया में बोला लाड़ी कवा ओन से आई लव यू की रहिया में बोला लाड़ी कवा ओन से आई लव यू। तो देखिए दोस्तों, ये रहा शादी विवाह का गीत। और मैम लोग अक्सर शादी विवाह मजाकिया गीत और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पे गीत गाती रहती हैं। देखेंगे तो अगर इनका पूरा गीत, अगर ये सब गीत जो है चुटकुल्ला गीत, अगर आप ये सब सारा सुनना चाहते हैं, फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो इनके चैनल पे जाके जरूर विजिट करिए एक बार। इन लोगों का चैनल भी है और बहुत सही शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में ये अपने गीत को प्रस्तुत करती है।